अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राजस्थान से हूँ और मैं डॉक्टर साहब को ये कहना चाह रहा था कि मैं करीब करीब यूँ तो पोलियो तो मेरा बचपन ही से हो गया था, मैं करीब 1.5 साल की उम्र थी, लेकिन मेरी एज 25 से बाहर निकलने के बाद बहुत परेशान, यानी कहीं भी मिलना जाना, अगर जाएँ तो ज़्यादा देर खड़े ना रह सकें, अगर कहीं बाजार जाना है तो बड़ी मुश्किल, यानी एक इंसान जिस तरह बीमार जिस तरह पड़ा रहता है अपने रूम के अंदर, इस तरह पड़ा रहना पड़ता है। और कभी ऐसा भी होता है कि फला जगह जाना, जाने से पहले टेंशन में आ जाती है कि जाएंगे तो क्या होगा, कैसे चलेंगे, कैसे खड़े रहेंगे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कभी डॉक्टरों के पास जाते थक हार कर कि इसका कोई इलाज हो जाए, तो उन्होंने डॉक्टर साहब पूछते थे क्या पोलियो है, तो डायरेक्ट कह लेते इसका कोई इलाज नहीं, आप बताओ इस तरह ही जिंदगी गुजारनी है। ये सुनने के बाद पोलियो पेशेंट जो होता है, पोलियो का जो मरीज होता है, वो एक टेंशन में आ जाता है, उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल गुजरने लगती है। और ये मैं नहीं और जितने भी मेरे भाई इस पोलियो में मुबतला हैं वो तमाम लोग इस बात को एग्री करेंगे, और उन्हीं में से मैं भी था। करीबन मैं 25 से 30 साल तक ऐसी जिंदगी बसर करता रहा, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि नसीब में लिखा होता है उन्हीं का इलाज होता है, तो अल्लाह की मर्जी हुई आखिर में मोबाइल के जरिए डॉक्टर साहब का रब्ता हो गया और बात होते ही इस तरह से प्यार और मोहब्बत से समझाया, और कब बेटा कह के मतलब इस तरह बात की गई बाप वाली फीलिंग आने लगी जैसे कि कोई बाप ने बुला लिया। तो उसी वक्त मैंने तैयार कर लिया और घर वालों को कहा मुझे इलाज करवाना ही है, और मैंने फोन में ये भी कह लिया था कि आप मुझे बता दें मैं मुकम्मल तैयारी करके आऊँगा, लेकिन डॉक्टर साहब का नहीं, पहले आप आइए मिल के जाए, और जब सही से बताऊँ तो मैंने पहली मुलाकात मिली डॉक्टर साहब से हुई, और इन्होंने जब मुझे कहा कि भाई आप मरीजों से मिल लें, तो मैं मेरा जुमला डॉक्टर साहब को याद होगा, मैंने कहा मैंने आपसे बात कर ली तो मेरे तमाम मरीजों से मिल लिया है आपका, यानी सच्चे इंसान की जुबान सुनने से इंसान को मालूम चल जाता है इंसान कितना नेक दिल है। और ये मैं जाहिर तौर पे डॉक्टर साहब के मुंह पे तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन ये तो जितने पोलियो पेशेंट ये भी जानते होंगे, जो जो लोग इनको सुनते हैं वो खुद समझ सकते हैं कि किस कदर इंसान के प्रति इनके दिल में मोहब्बत, और उन्होंने मोहब्बत से समझाया और आखिर में अल्लाह ने जरिया बनाया। और मेरे ऑपरेशन को भी करीब 7 से 8 दिन हुए, और मैं इसमें कोई गुलू नहीं करता, कोई बढ़ चढ़ के मैं वीडियो के थ्रू नहीं बताता हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक फायदे देखे, यानी जैसे मेरा पाँव पहले बिल्कुल ठंडा रहा, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंडी का मौसम, लेकिन अब पाँव इतना गर्म रहता है जैसे हाथ लगाते, तो उसी दिन मुझे महसूस हो गया कि मेरे पाँव के अंदर कुछ तब्दीली तो आ गई है। उसके बाद फिर चलने में जैसे मैं बिल्कुल खड़ा नहीं रह पाता था, 10 मिनट खड़ा रह गया बहुत हो गया, अब मैं करीब आधा घंटा घूमता रहता हूँ, और नहीं मुझे थकान महसूस होती है, खा पी के आराम से जाके सोए रहते हैं, हर तरीके की यानी थोड़े दिन 2-3 दिन जरूर दर्द रहता है, लेकिन इंसान जब वो इंसान की जिंदगी में बदलाव आने लगता है, तब्दीली आने लगती है, तो वो तमाम चीज़ों को भूल जाता है, तमाम दर्द को भूल जाता है, बीमारियों को भूल जाता है। तो मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और इनको मैं धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे इतना बेहतरीन से समझा करके मुझे इस लायक बनाया कि मैं अब आराम से अपने बलबूते पे खड़ा भी हो सकता हूँ और चल के भी सकता हूँ। दूसरे जितने भी मेरे भाई हैं जो मरीज हैं, चाहे कहीं का भी रहने वाला हो, अगर वो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, तमाम नाज़रीन को भी यही कहूँगा कि अगर आप लोग भी इस बीमारी में मुबतला है तो आप ये समझ के इस बात को ना भूल जाए कि हम जिंदगी गुजार देंगे, जिंदगी और इंसान की सेहत बड़ी कीमती चीज होती है, ये अल्लाह का एक अनमोल तोहफा होता है, इसको संभाल के रखना इंसान के लिए लाजमी है। तो आप किसी तरीके से इलाज के लिए नहीं, कम से कम आप अगर इनसे मिले डॉक्टर साहब से और इनसे मशवरा जरूर। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है,